Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 11.1 from chapter mensuration. Mensuration का मतलब होता है measurement निकालना, measure करना, ठीक है? That means कोई given figure है, उसका आपको measurement करना है, वही हमारा mensuration के अंदर आता है. अब ये exercise 11.1 में आपको perimeter निकालना है, given figure का हमें या given statement question का perimeter solve करना है. अब आप कहोगे perimeter क्या होता है? तो perimeter हम बोलते हैं boundary के measurement को. For example, जैसे ये फर्स्ट सब पार्ट वन में देखिए, क्वेश्चन वन के सब पार्ट वन में फिगर, ये आपका गिवन फिगर दिया गया है. यहाँ में कोई क्लियर नहीं है कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है. तो इस तरह के फिगर में पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल साइड. दैट मीन्स इस ऑल साइड्स को हम सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा. इसी तरह से इन सारे फिगर में देखिए, अलग अलग है साइड्स इसमें गिवन, तो अगेन हम यही करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड. यानी कि पेरीमीटर का सिंपल मतलब है ऑल साइड्स का सम करना, क्लियर. बट कुछ स्पेशल फिगर जैसे कि हमारा रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, इस तरह के फिगर के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं. क्यों यूज करते हैं? जिससे हमारा सम जल्दी हो जाए. बिकॉज ऑल साइड्स को अब जैसे हम ऐड करेंगे 38 प्लस 31 प्लस 38 प्लस 48, अगर और भी साइड है इस तरह से ऐड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगता है. तो टाइम बचाने के लिए कुछ स्पेशल फिगर में हम फार्मूला का यूज करते हैं. तो क्या फार्मूला होगा उसे हम देख लेते हैं. तो यहाँ मैंने लिख दिया, सबसे पहले तो आपका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, ये तो आप समझ गए. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. अब इसे आप समझ लीजिए एक बार, जिससे अभी आपको समझ में आ जाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको. जैसे ये हमारा रेक्टेंगल का शेप है, तो इसमें ये हमारा लेंथ है, दोनों लेंथ इक्वल होंगे, इसी तरह से दोनों ब्रेथ इक्वल है. तो चार बार हम किसी डिजिट्स को लिख कर ऐड करेंगे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा. टाइम बचाने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं. तो फार्मूला क्या हो गया, 2 × L + V. अब देखिए एल दो, एक यहाँ एक यहाँ, इसी तरह से ब्रेथ, ठीक है. तो टाइम बचाने के लिए फार्मूला का यूज किया जाता है, क्लियर, समझ गए अब आप. नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देख लिया. अब क्वेश्चन में आपको कई बार आता है कि रेक्टेंगल का आप लेंथ निकालिए या रेक्टेंगल का ब्रेथ निकालिए, ठीक है. तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 1/2 × पेरीमीटर माइनस ब्रेथ. एंड ब्रेथ निकालना होगा जब रेक्टेंगल का, तो इसके लिए फार्मूला आ जाएगा 1/2 × पेरीमीटर माइनस लेंथ, क्लियर. एंड एक बात और, ये तो आपका दो फार्मूला है लेंथ एंड ब्रेथ निकालने के लिए. हम डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × L + V, इससे भी लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं ये मैं आगे क्वेश्चन में आपको बता दूंगी. तो दोनों ही तरीका आप समझ जाना. नाउ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है. अब जैसे देख लीजिए स्क्वायर है, स्क्वायर का आप जानते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो फोर साइड्स होते हैं. तो फोर में अगर एक साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा साइड तो सेम होता है, सो फोर में हम साइड को एक साइड को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा. तो आप समझ गए, टाइम बचाने के लिए हम फार्मूला का यूज करते हैं. नाउ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. जब ऑल साइड्स इक्वल होते हैं एंड थ्री साइड है, तो 3 × साइड फार्मूला यूज कर लेंगे. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड इक्वल, जिस पेंटागन के ऑल साइड इक्वल होंगे उसे हम रेगुलर पेंटागन बोलते हैं. पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, सो 5 × साइड. हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालेंगे 6 × साइड. इसी तरह से अगर हेप्टागन है तो 7 × साइड, ऑक्टागन है तो 8 × साइड, क्लियर. नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन वन में कहा जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, जितने भी फिगर गिवन है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है. तो सब पार्ट वन में ये गिवन फिगर है, तो हम लिख लेंगे पेरीमीटर, पी फॉर पेरीमीटर, शॉर्ट में पेरीमीटर को ओनली पी भी लिख सकते हैं. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, आप पूरी स्पेलिंग लिखना, सम ऑफ ऑल साइड्स. अब सम ऑफ ऑल साइड्स हम क्यों लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे ना तो हमारे पास रेक्टेंगल है, ना तो स्क्वायर है, ना हेक्सागन वगैरह कुछ है, ठीक है. इसीलिए पेरीमीटर यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा. नाउ इज इक्वल टू ऑल साइड का सम, और साइड ये हमारा गिवन है, पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री, किनारे को, ठीक है. तो ये किनारा कितना बड़ा है ये तो हमें गिवन है, सो इन सबको ऐड कर लेंगे. तो 5 cm प्लस 3 cm प्लस 2 cm प्लस 7 cm. नाउ इन सबको ऐड कर लेंगे, तो देखिए 5 × 5 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 7 = 17. तो ये हमारा हो गया 17 cm, ये आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट टू, तो इसमें ये साइड हमारा गिवन है 38 cm, 31, 38 एंड 48 cm.
सो ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. नाउ ऑल साइड्स का सम 38 प्लस 31 प्लस 38 प्लस 48. सो अब ऐड कर लेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 8 25 का 5 आ गया. नाउ कैरी 2 बच रहा है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 एंड 4 ये हमारा हो गया 15. सो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 155 सेंटीमीटर में है, सो यहाँ हम सेंटीमीटर लिख लेंगे, तो ये आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 3, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर अगेन सम ऑफ ऑल साइड. सो साइड्स लिख लेते हैं 19 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर, ठीक है. फोर टाइम्स आपको 19 है. अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो 9 प्लस 9 18 एंड ये भी 9 प्लस 9 18 हो गया, 18 एंड 18 36, 6 लिख लेंगे. नाउ कैरी 3 4 5 6 7, सो 76 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया. अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 19 19 19 ठीक है, फोर टाइम्स 19 आया, तो इसको हम ओनली 4 इंटू 19 करके भी सॉल्व कर सकते हैं. 4 इंटू 19 इज इक्वल टू 76, इस तरह से भी कर सकते हैं जिससे हमारा टाइम बच जाएगा. नेक्स्ट दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो. अब इस फिगर में देखिए, ये फिगर हमारा पेंटागन है, ऑल साइड से इक्वल है, रेगुलर पेंटागन हो गया. देखिए साइड 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साइड से, तो रेगुलर पेंटागन हो गया. तो इसे हम फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 5 इंटू साइड, 5 साइड है और सारे साइड इक्वल है, सो 5 इंटू साइड, तो साइड 7 ले लेंगे, तो 5 इंटू 7 इज 35 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया. अगर इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, टाइम लगेगा. तो समझ गए आप, टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला का यूज करते हैं. सो अगेन लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर या पेरीमीटर ऑफ पेंटागन भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू साइड. सो 5 इंटू एक साइड कोई लिख लेंगे 7, ऑल साइड तो 7 ही है, तो 7 लिख लेंगे, 5 इंटू 7 इज 35 सेंटीमीटर ये हमारा इसका आंसर हो गया. आप चाहो तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर लिख लो या फिर गिवन फिगर पेंटागन, ठीक है, गिवन फिगर पेंटागन या ओनली गिवन पेंटागन, इस तरह से भी लिख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 2 इज, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. फर्स्ट अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे देखिए साइड्स जो हमें गिवन है 3 4 एंड 6 तीनों अलग अलग हैं, दैट मीन्स ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो गया, नहीं है. इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 3 इंटू साइड करके, बिकॉज इक्विलेटरल में ऑल साइड इक्वल होते हैं, बट यहाँ तीनों ही साइड अलग अलग हैं. सो यहाँ पर हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, देन 3 प्लस 4 प्लस 6 कर लेंगे, क्लियर. सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, ट्राइंगल का मैंने यहाँ सिंबल दिया है, आप पूरी स्पेलिंग लिखना ट्राइंगल की, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स. नाउ ऑल साइड्स का सम लिख लेंगे, सो 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, ये साइड गिवन है, इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 इज 13, 13 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया. नाउ सेकेंड और ट्राइंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर एंड 10.2 सेंटीमीटर, अगेन साइड अलग अलग हैं. सो अगेन लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ साइड्स मैंने लिख लिया 7 सेंटीमीटर प्लस 5.4 सेंटीमीटर प्लस 10.2 सेंटीमीटर. अब इन सबको ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए अब 7 लिखा है, तो यहाँ और नीचे के नीचे जो ये दोनों जो नंबर्स हैं इसमें हमें डेसिमल दिया गया, तो यहाँ तो डेसिमल है नहीं, तो हम कहाँ डेसिमल देंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी नंबर है उस इस तरह से उसमें हमें नंबर नहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, दैट मीन्स वो जो डेसिमल होगा नंबर के राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है. तो इस साइड हम डेसिमल लगा लेते हैं एंड इधर एक जीरो दे देंगे, देन 5.4, सो 5.4 एंड 10.2, इन सबको प्लस कर लेंगे, 4 प्लस 2 6 डेसिमल. नाउ 7 प्लस 5 12, 2 कैरी 1 1 एंड 1 2, सो 22.6 हो गया, इज इक्वल टू 22.6 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में तो मीटर यूनिट जरूर लिखना है, तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ सपर 3 एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर. अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पढ़ लिया अभी आपने, 3 इंटू साइड होता है, साइड एक हमें गिवन है, सो 3 इंटू 11 कर लेंगे, 33 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया. सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, पहले फार्मूला लिख लिया, नाउ 3 इंटू साइड गिवन है हमारे पास 11 सेंटीमीटर, सो 3 इंटू 11 मल्टीप्लाई किया तो 33 सेंटीमीटर आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 4
an isosceles triangle with equal sides 10 सेंटीमीटर each and third side 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप समझिए कि आइसोसीलस ट्राइंगल हम किसे बोलते हैं। आइसोसीलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल हो। जैसे कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो कोई दो साइड इक्वल होगा। मान लीजिए ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये हमारा आइसोसीलस कहलाएगा। एनी टू साइड्स इक्वल होते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आइसोसीलस ट्राइंगल है इसमें थर्ड साइड 7 सेंटीमीटर एंड जो बचे हुए टू साइड्स है वो 10 सेंटीमीटर ईच। दैट मीन्स जो इक्वल साइड है 10 है, तो ये भी 10, ये भी 10 एंड थर्ड साइड 7 दिया गया है। तो इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो क्लियर है, साइड अलग है। सो हम क्या कर लेंगे, अगेन पेरीमीटर ऑफ आइसोसीलस ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड या सम ऑफ थ्री साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ आइसोसीलस ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। नाउ तीनों साइड्स का सम 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 27 सेंटीमीटर आंसर। नाउ क्वेश्चन थ्री इज द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल राउंड विथ टेप, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। अब कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसपे लीड लग, जिसका लीड जो है यानी कि जिसपे ढक्कन जो लगाना है वो क्या है, ढक्कन की लंबाई चौड़ाई गिवन है। इस तरह से जब आपका लिखा हो 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये फर्स्ट जो नंबर लिखा गया है ये हमारा लेंथ कहलाएगा एंड सेकेंड वाला ये जो नंबर ये आपका ब्रेथ कहलाएगा। क्लियर, तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका जो लीड है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स है तो दैट मीन्स उसका लीड भी रेक्टेंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर शेप का ये हमारा लीड हो गया, ठीक है, तो लीड का लेंथ एंड ब्रेथ दिया है, तो लेंथ हमारा ये वाला पार्ट कहलाएगा। तो ये हमारे गिवन है 40, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्लियर, एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, तो ये ब्रेथ हो गया जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 इधर भी। क्लियर, तो हमें बताने हैं कि जिस लीड को सील्ड पैक करने के लिए कितना टेप रिक्वायर्ड होगा, है ना, कितना टेप लगेगा इसमें। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर लगाएंगे, निकालेंगे, बिकॉज ऑल साइड से ये कितना बड़ा है, तभी तो हम जितना बड़ा ये लीड होगा उतना ही बड़ा टेप लगता है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स का। सो हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर बॉक्स भी लिख सकते हो आप, 2 इंटू फार्मूला लिख लेंगे एल प्लस बी, एल यानी कि लेंथ, बी यानी कि ब्रेथ। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 2 इंटू ब्रैकेट्स के अंदर हमें लिखना है लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये लेंथ होता है ये ब्रेथ होता है। सो 40 प्लस करेंगे ब्रेथ को 10 को, क्लियर, सेंटीमीटर में, तो इधर हम सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नाउ आप देखिए ब्रैकेट का वर्क पहले होता है, सो 2 को एज इट इज लिखेंगे एंड 40 प्लस 10 50 हो गया, ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका जब भी कोई नंबर के साथ इस तरह से ब्रैकेट बना इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, सो इंटू का साइन। अब इस दोनों को इंटू कीजिए तो ये हो गया हमारे पास 100 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। लास्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू 1 मीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 4 इज अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो यहाँ पर अगेन देखिए 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लेंथ कहलाएगा, ये पार्ट हमारा ब्रेथ गिवन है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, टेबल टॉप कह रहा है मतलब कोई टेबल है जिसके टॉप की यानी ऊपरी बात की जा रही है, ऊपर कहीं से की, ये हमारा मान लीजिए कोई टेबल है तो इसके टेबल टॉप इसकी बात हो रही है। तो टेबल टॉप का कह रहा है कि लेंथ 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ क्या होगा यहाँ से यहाँ, ये हमारा गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 1 मीटर 50, तो ब्रेथ ये पार्ट हो गया 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री यानी कि किनारा, ये चारों ओर से कितना डिस्टेंस में कितना स्पेस ले रहा है ये हमें फाइंड करना है। ओके, सो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, अभी मीटर सेंटीमीटर दोनों में है तो पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, सो ये हो गया 2.25 मीटर। कन्वर्सन पहले एक एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हो, क्लियर, इसे जब चेंज करेंगे तो 2.25 मीटर। अच्छा, इसके लिए अभी चेंज करना तो मैं यहाँ नहीं बता रही आपको क्योंकि पहले पढ़ा रखी हूँ, बस ट्रिक बता रही हूँ कि कैसे करते हैं। तो देखिए मीटर एंड सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर इज इक्वल टू यहाँ समझ लीजिए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ट्रिक आपके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है तो यहाँ देखिए 20 है, 2 डिजिट गिवन है, क्लियर, जब 2 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी गिवन ही है सेंटीमीटर का, सो 2
मीटर के जगह पे यहाँ पॉइंट हम दे देंगे एंड 2.25 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रहता है, 2 मीटर और ओनली 5 रहता, तो स्टार्टिंग में एक हम जीरो लगा लेते हैं, ठीक है, समझ गए। सो इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर अगेन देखिए 2 डिजिट गिवन है, सो 1.50 मीटर हो गया। नाउ पेरीमीटर निकालना है, सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर टेबल टॉप, फार्मूला 2 × L + B। नाउ वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × L की जगह पे लिखेंगे 2.25 प्लस ब्रेथ की जगह पे लिख लेंगे 1.50। नाउ इधर आप चाहो तो मीटर लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2, अब प्लस कर लेंगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई का साइन 2.25 प्लस 1.50, ऐड करेंगे 5 + 0 = 5, 5 + 2 = 7, 2 + 1 = 3, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, कैरी 1, 2 × 7 = 14 प्लस 1 = 15, कैरी 1, 2 × 3 = 6 एंड 1 = 7, तो 750। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1, 2, यहाँ पर पॉइंट आ गया 7.50 मीटर। और इसी को हम लिख सकते हैं, अब देखिए डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है, सो ओनली हम इसे 7.5 मीटर भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख कर छोड़ सकते हो, ये भी लिख के छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ क्वेश्चन 5 इज, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 58 मीटर, इफ इट्स लेंथ इज 17 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर गिवन है 58 मीटर, लेंथ गिवन है, तो हमें ब्रेथ निकालने हैं। तो पेरीमीटर का जब आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन हो तो लेंथ एंड ब्रेथ निकालने का फार्मूला हमने देखा था, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जब हमें निकालना होगा तो 1/2 × पेरीमीटर - ब्रेथ, क्लियर, एंड जब ब्रेथ निकालना होगा तो सेम होगा, बस ब्रेथ के जगह पे हम लेंथ लें, ब्रेथ निकालना है तो यहाँ पे लेंथ लिख देंगे, अगर लेंथ निकालना है तो यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगा, क्लियर। एंड मैंने आपको बताया था कि इस फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, इस फार्मूला से भी हम लेंथ एंड ब्रेथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दोनों ही मेथड बता रही हूँ, आपको जो ईजी लगे उस मेथड से कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड पहले सीखते हैं, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू फार्मूला हमने क्या देखा, 1/2 × पेरीमीटर - लेंथ, इस फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। सो 1/2 × पेरीमीटर, पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 58 मीटर, सो यहाँ 58 लिख लेंगे, देन माइनस का साइन, लेंथ लेंथ गिवन है 17 मीटर, सो ये हमारा 17 हो गया, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई एंड माइनस है, तो पहले अब डी मास में हम किसका काम करते हैं, मल्टीप्लाई का, सो इसका दोनों का वर्क करेंगे, 2 से 58 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = 4 एंड 2 × 9 = 18, तो ये हो गया 29। सो इज इक्वल टू 29 - 17, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 12 मीटर, आंसर हो गया। नाउ सेकेंड मेथड सीखते हैं, तो सेकेंड मेथड के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, क्लियर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन में गिवन है 58 मीटर, सो इसके नीचे 58 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 × L हमारा गिवन है 17 प्लस ब्रेथ तो हमें निकालना ही है, सो ब्रेथ को हम एज इट इज रहने देंगे, क्लियर। अब इसे देखिए आगे, अब 2 बाहर में है, इंटू में 17 प्लस बी है, दैट मीन्स इस 2 से पहले हम 17 को भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से इस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपस में इन दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास मल्टीप्लाई का काम बचा। सो इधर 58 लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 × 17 = 34 प्लस का साइन देंगे, अब 2 से इस बी को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2b। नाउ इस 34 को यहाँ से उठाकर हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 58, ये 34। अब देखिए किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं गिवन होता है, तो क्या होता है, माइनस प्लस होता है, तो 34 के साथ कोई साइन नहीं है यहाँ पे, यानी कि ये प्लस है, ठीक है, तो इक्वल टू के बाद है, तो ये यहाँ से जब इक्वल टू के इस साइड आएगा, अपना प्लेस चेंज करेगा, तो ये प्लस जो है इधर माइनस में आ जाएगा, सो -34 बन जाएगा एंड इक्वल टू में इधर क्या बच गया, 2b। अब 58 - 34 इसे माइनस कर लेंगे, 8 - 4 = 4, 5 - 3 = 2, 24 = 2b। सो अब ब्रेथ हमें निकालना है तो ये हमारा 24 और 2 × b है, ठीक है, तो b को हम अलग करेंगे तो ये 2 अकेला बच गया, तो ये 2 इस 24 के नीचे आ जाता है, इज इक्वल टू बी यानी कि ब्रेथ। नाउ 2 से 24 डिवाइड किया तो 12, तो ये हमारा हो गया 12 इज इक्वल टू बी यानी कि 12 मीटर ब्रेथ हो गया। इसी चीज़ को हम इस तरीके से नेक्स्ट लिख लेंगे, बी यानी कि ब्रेथ इज इक्वल टू 12 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है। तो इन दोनों मेथड, ये मेथड या ये मेथड, आपको जो इजी समझ में आए उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर नेटेड। तो 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, क्लियर है, ये हमारा लेंथ हो गया 0.7 एंड ब्रेथ गिवन है 0.5, ठीक है। और किसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, एक लैंड है जो रेक्टेंगुलर शेप का है, एंड इसमें कहा जा रहा है कि ईच साइड इज टू बी फेंस्ड, यानी कि जो रेक्टेंगुलर लैंड है उसके चारों ओर से फेंसिंग करना है, ठीक है। तो फेंसिंग करने में 4 रोज ऑफ वायर, 4 टाइम्स रोज को मूव करता है, तो हमें लेंथ ऑफ वायर कितना लगेगा उसे फेंसिंग करने के लिए, चारों ओर से घेरने के लिए लैंड को कितना वायर की जरूरत है, ये हमें निकालने हैं। तो इसे आप पहले फिगर के साथ समझ लीजिए। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, ये लैंड जो है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का है। अब इस लैंड का हमें 0.7 किलोमीटर ये लेंथ दिया गया है, एंड ब्रेथ होता है ये वाला पार्ट, तो ब्रेथ गिवन है 0.5 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके चारों ओर फेंसिंग करना है, फेंसिंग मतलब जैसे ये लैंड है तो लैंड में कोई दूसरा एनिमल ना आ जाए, तो एनिमल से इसे बचाने के लिए क्या करेगा, चारों ओर से तार से घेर दिया जाता है, तो ये उसी को हम बोलते हैं फेंसिंग करना, वायर से फेंसिंग, तार से घेरना, तो वायर से फेंसिंग करना है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फेंसिंग उसे कितने बार करना है, 4 टाइम्स। जैसे मान लीजिए यहाँ से एक वायर लेके ऐसे फेंसिंग किया, ये 1 टाइम हुआ, अगेन सेकेंड करेगा, थर्ड एंड फोर्थ, इतने टाइम्स उसे फेंसिंग करने हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस फेंसिंग करने में टोटल कितना वायर यूज होगा, ये हमें बताने हैं। तो वायर कितना यूज होगा उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले पता करना होगा लैंड कितना बड़ा है। तो लैंड कितना बड़ा है ये पता करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। सो लिख लेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 0.7 किलोमीटर, ब्रेथ गिवन है 0.5 किलोमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, अब ये हो गया 2 इंटू एल की जगह पे 0.7 एंड बी की जगह पे 0.4, ठीक है, किलोमीटर। नाउ इन दोनों को पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, 0.7 प्लस 0.5 ऐड करेंगे, तो देखिए 0.7, 0.5, 7 प्लस 5, 12 का 2 कैरी 1, ये डेसिमल दिया एंड ये 1.2, सो 2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, सो यहाँ डेसिमल दिए। तो अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड, यानी कि जो लैंड है कितना बड़ा है, 2.4 किलोमीटर। अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसमें इसे फेंसिंग करने के लिए वायर कितना चाहिए, अगर 1 टाइम फेंसिंग करना होगा तो 2.4 किलोमीटर है पूरा लैंड, तो दैट मीन्स इतना ही बड़ा हमें वायर चाहिए 1 टाइम के लिए, तो सेम होगा, बट 4 टाइम उसे करना है तो हम क्या करेंगे, 4 से इसे इंटू कर देंगे। अगर 3 टाइम्स का होता तो 3 से मल्टीप्लाई, 7 टाइम वायर नीडेड होता, अगर 7 टाइम वायर से घेरना होता तो 7 से इंटू करते हैं, क्लियर। सो लिख लेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड, 4 टाइम्स कहा गया है, सो 4 इंटू 2.4, 4 इंटू 4 16, 6 कैरी 1, 4 इंटू 2 8 एंड 1 9, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, सो यहाँ डेसिमल दे दिया, सो 9.6 किलोमीटर इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 7.5 मीटर। अब यहाँ देखिए रेगुलर हेक्सागन का हमें पेरीमीटर निकालना है, एक साइड गिवन है, तो रेगुलर हेक्सागन का फार्मूला हमने क्या देखा था, 6 इंटू साइड रेगुलर हेक्सागन है, इसे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड, एक साइड हमें गिवन है 7.5 मीटर, सो इज इक्वल टू 6 इंटू 7.5, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 6 इंटू 5 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 इंटू 7 42 प्लस 3 45 एंड 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, सो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब जैसा कि आप जानते हो डेसिमल के बाद तो 0 की वैल्यू होती नहीं है, सो 45.0 यानी कि 45 मीटर ये हमारा आंसर हो गया। एंड इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 8 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।